बीते 7 जून को लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा महेश्वरी की हत्या करने वाले शूटर विजय यादव को लखनऊ पुलिस ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है। गुरुवार सुबह 10 बजे से विजय यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हुई और उसको लखनऊ के इस चौक कोतवाली में ही रखकर पूछताछ की गई। मामला गैंगस्टर की हत्या का था जिसके पीछे उत्तर प्रदेश के तमाम गैंगस्टर्स पड़े थे, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स तैनात है, पीएसी के जवान तैनात हैं, तमाम अधिकारी। आज तीसरा दिन है, शाम 5 बजे विजय यादव को लखनऊ जेल दाखिल कर दिया जाएगा, लिहाजा पूछताछ का अंतिम दौर चल रहा है और इस पूछताछ के साथ साथ कागजी कार्रवाई भी, क्योंकि इसके बाद विजय यादव को मेडिकल कराने के बाद लखनऊ जेल में दाखिल किया जाएगा। बात अगर पूछताछ की करें तो इन 3 दिनों के दौरान विजय यादव रटे रटाए जवाब देता रहा। आतिफ, जिस व्यक्ति से कहा गया कि संजीव जीवा की लखनऊ जेल में झगड़ा हुआ था और जिसके तथाकथित भाई ने नेपाल में इसको 20 लाख की सुपारी दी थी, उसके बारे में कोई दूसरी जानकारी नहीं दे पाया। और तो और उसने साफ तौर पर कहा कि वो बहराइच से जब लखनऊ जिस बस से आया तो एक पुल के नीचे, एक बड़े चौराहे के नीचे वो उतरा था, लेकिन वो चौराहा वो पहचान नहीं पाया। और तो और जिस शख्स ने लखनऊ में उसको मैग्नम रिवॉल्वर दी थी, वो शख्स भी खुद इसके संपर्क में आया। यानी इन 3 दिनों की पूछताछ में विजय यादव ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे लखनऊ पुलिस को लगे कि विजय यादव ने कोई संजीव जीवा गैंगस्टर के मर्डर केस में बड़ी जानकारी हासिल हुई हो। लिहाजा पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि वो इस मामले में अब लखनऊ जेल में पूछताछ करेंगे कि आखिर वो आतिफ नामक शख्स कौन है जिससे संजीव जीवा की हत्या हुई थी। ये अलग बात है कि अब तक की पड़ताल में साफ हुआ है कि लखनऊ जेल में 4 आतिफ बंद हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो खतरनाक आतिफ बताया जा रहा वो है कानपुर से गिरफ्तार ISIS मॉड्यूल का आतिफ, जिसको मार्च 2017 में सैफुल्ला एनकाउंटर के बाद NIA ने गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि अगर यही आतिफ है जिससे संजीव जीवा का बहस हुई थी, संजीव जीवा से कहा सुनी हुई थी और उसके बाद उसके तथाकथित भाई अशरफ ने जीवा की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी दी थी, तो पुलिस के लिए एक आतंक कनेक्शन का भी एंगल जुड़ जाएगा। लेकिन अभी पुलिस के सामने चुनौती उस आतिफ की शिनाख्त है जिससे कहा जा रहा है कि झगड़े के बाद संजीव जीवा महेश्वरी की हत्या की पटकथा लिखी गई थी।